जिलाधिकारी मुरादाबाद की अध्यक्षता में सोमवार को खंड विकास कार्यालय मुरादाबाद की ग्राम पंचायत मनोहरपुर में रात्रि चौपाल कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बिजली विभाग और अन्य कई विभागों की लगातार शिकायतें मिलने पर जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह द्वारा निर्देश दिए गए कि गांव में एक कैंप लगाकर जनमानस की शिकायतें सुनी जाएं और उन समस्याओं का समाधान तत्काल किया जाए। मंगलवार को मनोहरपुर ग्राम पंचायत के पंचायत सचिवालय के प्रांगण में सिर्फ आपूर्ति विभाग और कृषि विभाग की ओर से कैंप लगाया गया। अन्य विभागों के द्वारा अपनी अनुपस्थिति को दर्शाते हुए ग्रामीणों को सिर्फ आश्वासन ही दिया गया। जिलाधिकारी मुरादाबाद के आदेशों के क्रम में मंगलवार को भारी संख्या में मनोहरपुर के पंचायत सचिवालय पहुंचे ग्रामीणों ने अपनी शिकायतों को जिला स्तर पर पहुंचने के लिए अपनी बात को रखा, लेकिन बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आंगनबाड़ी विभाग, समाज कल्याण विभाग जैसे कई अन्य विभागों द्वारा पंचायत सचिवालय पर अपनी अनुपस्थिति को दर्शाकर जिला प्रशासन के आदेशों की अनदेखी की गई। भारी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों द्वारा अपनी समस्याओं को लेकर सिर्फ हैरानी जाहिर की गई। लोगों का कहना था कि आज हम मजदूरी करने भी नहीं गए, क्योंकि जिलाधिकारी मुरादाबाद का फरमान था कि यहां पर सभी जिम्मेदार अधिकारी पहुंचेंगे, लेकिन इस पंचायत सचिवालय में आकर उनको लगा कि शायद उनकी कोई सुनने वाला नहीं। यहां तक कि ग्राम प्रधान भी इस कैंप में नजर नहीं आए। ग्रामीणों द्वारा अपनी परेशानी को बताते हुए कहा गया कि हम लगातार चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हमारी सुनने वाला कोई नहीं। आखिर जाए तो कहां जाए। मैं अपनी 60 साल बनवाने के चक्कर में आया था। यहाँ कोई मिला आपको? मुझे तो अभी तो कोई नहीं मिला। क्या चाहते हो आप? मैं ये चाहता हूँ कि मेरी 60 साल बन जाएगा। कब से परेशान हो रहे हो आप? मैं कम से कम ना तो एक साल हो चुका। क्या जवाब मिलता जाते हो? यहाँ कागज उगज भी हमने प्रधान जी को दे दिए हैंगे, पर उन्होंने कोई आगे को कोई गौर नहीं करी। क्या चाहते हो आप? आप यही चाहते हैं हम का हमारी प्रिंसिपल बन जाएगा। क्या परेशानी आ रही है आपके? हमारी परेशानी यही आती है, खाना कमाना बंद हो गया, खर्चे के लिए पैसे नहीं मिलता। पीएम साहब भी आए थे, कह रहे थे यहाँ कैंप लगेगा जी। कैंप लगा पेंशन वालों को नहीं लगा? नहीं तो कोई नहीं लगा कैंप। सर जी नाम क्या है आपका? समरपाल जी। समरपाल कहाँ के रहने वाले? यहीं के रहने वाले सर। आज काम कैंप में लग रहा था, कह दी सब कैंप लग रहा। कौन आए थे? सब आए थे। क्या कहा था उन्होंने? कैंप लगाने के लिए कह रहा। आज जब बिजली वालों को देखा, बिजली वाले आए या नहीं आए साहब? क्या परेशानी हो रही है आप लोगों के सामने? हाँ भाई परेशानी साहब, मीटर खराब है कि केबल खराब है कि बिल ज्यादा लिख रहा है, परेशानी हल होती है। आज लगते कैंप तो क्या चाहते हैं आप? उनको एक कैंप लगता तो हल मसला तो कोई हल। क्या नाम है सर आपका? संजय नाम है सर। संजय साहब कहाँ के रहने वाले हैं? मनोहरपुर के। अच्छा, इस टाइम आप कहाँ खड़े हो? इस टाइम मनोहरपुर में ही हूँ। कौन सी जगह है ये? यहाँ मतलब क्या नाम है स्कूल में। अच्छा, रात क्या हुआ था यहाँ पे? कैंप लगा सर। रात कौन आए थे? डीएम साहब। डीएम साहब ने क्या बोला था मजदूरों के लिए? मजदूर लिए कैंप को कही थी कैंप लगाएगा सर। जैसे आज आए हो तो कोई कैंप लगा था यहाँ? नहीं लगा सर। क्या दिक्कत हो रही है आपके साथ? मजदूरी कार्ड में मतलब हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही सर, ये दिक्कत है हमारे साथ। क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कैंप लग जाता, हम उनसे कहते हमारी मजदूरी कार्ड में सुविधा मिले, कैंप नहीं लगा सर। कितने लोग आए हुए यहाँ सर? लोग बतेरा आए हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई सर। ये तुम्हारा ये है आया का, इसकी वो बना के लाओ, फोटो कॉपी करा के लाओ। फिर कह रहे हैं बोले कि इसके अपनी पत्नी का नाम बदलवा के लाओ। तो इसे मैं एक मिनट तो होएगा ना, साल भर हो गया मुझे घूमते घूमते, हो ही नहीं रहा कि क्या चाहते हो आप? राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं बस। कितने दिन से परेशान हो? साल भर हो गया, जब से यानी कोर्ट आया जब से परेशान। आपको राशन भी नहीं मिल रहा? किसानों के लिए लगाए गए कैंप में मौजूद रहे कृषि विभाग के अधिकारी द्वारा कहा गया कि वो सुबह से ही यहाँ मौजूद हैं और लगातार जनता की समस्या को समाधान कर रहे हैं, जबकि आपूर्ति विभाग द्वारा कहा गया कि वो आवेदन प्रक्रिया को कर रहे हैं, शाम तक सचिवालय पर बैठेंगे, जितने आवेदन आएंगे उनकी जाँच के उपरांत अन्य कार्य को किया जाएगा। समस्या सुन रहे कृषि विभाग अधिकारी द्वारा अपनी बात को रखा गया। ब्लॉक से आया हूँ, कृषि विभाग से आया हूँ, और कृषि विभाग से आज यहाँ पे किसान सम्मान निधि का कैंप लगाया जा रहा है। सर यहाँ पे समस्या ये आ रही है, बहुत से लोग यहाँ पे वो मिल रहे हैं कि जिनका ऑनलाइन नहीं है पंजीकरण, जिन लोगों ने ऑनलाइन नहीं कराया है, कुछ लोग ना ऐसे थे जिनकी EKYC नहीं हुई है, वो हम लोगों के द्वारा कर दी गई है, लगभग 100% पे कर दी गई है। और सर यहाँ पे कुछ लोग ना ऐसे भी आ रहे हैं कि जिन लोगों के ऑनलाइन होने के बाद तहसील स्तर पर पड़े हुए हैं, तो उनको हमने कहा बता दिया है कि आपका तहसील स्तर पर है, और वहाँ से पढ़ने के बाद फिर वो हमारे पास आएगा, हम उसको
सर मैं ये कहता हूँ कि जो लोग रह गए हैं वो अपना ओपन सोर्स के द्वारा ऑनलाइन कराएं और ऑनलाइन कराने के बाद हमारे पास डॉक्यूमेंट जमा करें।